आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा का ऐलान, मुशर्रफ है देशद्रोही। मनोज मुकुंद नरवाने होंगे भारतीय सेना के नए प्रमुख, बिपिन रावत की जगह लेंगे नरवाने। कमलनाथ सरकार को हुआ एक साल, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विजन टू डिलीवरी रोड मैप प्रस्तुत किया। छिंदवाड़ा में बस पिकअप से टकराई, चार लोगों की मौत, कोहरे के कारण हुआ हादसा। और मुसीबत में फंसे सांसद केपी यादव, यादव और उनके बेटे के जाति प्रमाण पत्र निरस्त। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व सैन्य प्रमुख के खिलाफ कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया हो। वर्तमान में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ दुबई में रह रहे हैं। पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ मुश्किल में हैं। पाकिस्तान की अदालत ने देशद्रोह के मामले में उन्हें सजाए मौत दे दी है। 3 नवंबर 2007 को देश में आपातकाल लगाने और दिसंबर में संविधान को निलंबित करने के मामले में पूर्व सैन्य तानाशाह के खिलाफ नवाज शरीफ सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दिसंबर 2013 में दर्ज कराया था। उसके बाद इस मामले में उनकी सजा तय मानी जा रही थी। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया था। विशेष अदालत ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में 5 दिसंबर को बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। उसके बाद दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि वह काफ़ी बीमार है और देश आकर बयान दर्ज नहीं करा सकते। इसके बाद तय किया गया था कि मुशर्रफ के खिलाफ 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। विशेष अदालत में जस्टिस सेठ, सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस नजर अकबर और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम शामिल थे। तीनों जजों ने इसके बाद मुशर्रफ के लिए मौत की सजा मुकर्रर की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था। याचिका में मुशर्रफ ने एक विशेष अदालत के गठन को चुनौती दी थी जिसमें देशद्रोह और गैर कानूनी काम के आरोप के तहत उन पर मुकदमा दायर किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसी साल दिसंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे। हालांकि अपीलीय मंचों पर मुकदमेबाजी के कारण पूर्व सैन्य तानाशाह का मुकदमा लटक गया था और वह मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़कर विदेश चले गए। दुबई में रह रहे मुशर्रफ दुर्लभ बीमारी अमीलाइडोसिस से पीड़ित हैं। इस बीमारी में प्रोटीन शरीर के अंगों में जमा होने लगता है। वह दुबई एक अस्पताल में इसका इलाज करवा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। नरवाने वर्तमान सेना प्रमुख बिपिन रावत की जगह लेंगे जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। नरवाने अगले 3 साल तक भारतीय सेना की कमान संभालेंगे। नरवाने सेना के उप प्रमुख हैं और उन्हें पाक और चीन से लगी भारत की संवेदनशील सीमाओं पर काम करने का लंबा अनुभव है। इस साल सितंबर में सेना का उप प्रमुख पद संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। सेना की यह कमान चीन से लगती 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करती है। नरवाने की नियुक्ति ऐसे समय हो रही है जब आतंकी गतिविधियों के जरिए पाकिस्तान की भड़काऊ कार्रवाई से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध है। मराठी परिवार में जन्मे नरवाने ने अपनी शुरुआती शिक्षा पुणे के जनाना प्रबोधनी पाठशाला से पूरी की। इसके बाद वे पुणे के ही नेशनल डिफेंस अकादमी के पास आउट रहे। इसके अलावा वे सैन्य अकादमी देहरादून के भी एलुमनाई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने जून 1980 में 7वीं सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुए थे। नरवाने ने अपनी 37 साल की सेवा में वे कई कमानों में काम संभाला जिसमें उनके पास जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकरोधी कार्रवाइयों का लंबा अनुभव है।
जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन के सफल संचालन के लिए तो उनको सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा नरवाने ने श्रीलंका में शांति रक्षक बल में काम किया है। वे म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास में रक्षा अताशे भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विजन टू डिलीवरी रोड मैप प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार में ऐसी घोषणाएं की गई जिसका कोई बजट नहीं रखा गया। यह सरकार विजन वाली सरकार है। हमने 365 दिन में 365 वचन निभाए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020-25 प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सरकार के एक साल के विकास कार्यों को लेकर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर अगले 4 साल में सरकार के विजन के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में कमलनाथ ने बीजेपी की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने ऐसी घोषणाएं की जिसका कोई बजट नहीं दिया गया। घोषणाएं हजारों करोड़ों की और बजट मात्र 50 करोड़ रुपए का। पिछली सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी से लेकर कन्या विवाह की राशि बढ़ाने सहित कई सरकार के कार्यों को गिनाया। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 365 दिन में 365 वचन निभाए हैं। हजारों करोड़ रुपए के उदाहरण है, ये तो सब मेरे पास है, पर किस प्रकार हमने इस बोझ से शुरू किया, केवल खाली तिजोरी ही नहीं पर इस बोझ से हमें शुरू करना पड़ा। हमारा दृष्टिकोण क्या है, साल भर में हमने क्या किया। हमारी विजन की सरकार है, टेलीविजन की सरकार नहीं है। मैंने कहा था कि हम घोषणाएं नहीं करेंगे, हमें अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें जनता से सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये होर्डिंग और बैनर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और यही हमारा लक्ष्य रहेगा। हमने शुरुआत करी कि खाली और इतनी बोझ भरी तिजोरी के बावजूद जो हमारी वित्तीय स्थिति थी, हमने 365 दिन में 365 अपने वचन पत्र के मुद्दे पूरे करें। क्रिएटिंग फ्रेश एम्प्लॉयमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स टू द लेबर फोर्स बाय कोलैबोरेटिंग विद इंडस्ट्री एज वेल एज बाय प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड एड्रेसिंग हेल्थ एंड एजुकेशन इश्यूज विच हैव नॉट रिसीव adequate attention in the past. Thus, this government has delivered on many of the promises that were made to the people 1 year ago. To give further direction to its commitment towards providing a healthy and productive life to the people of Madhya Pradesh, लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी संसदीय सीट से दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सुर्खियों में आए भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव की मुश्किल बढ़ गई है। मुंगावली एसडीएम ने यादव और उनके बेटे के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई एसडीएम द्वारा 2014 में बेटे के सार्थक यादव को पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी आय क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए से कम बताने पर की गई है। मुंगावली एसडीएम ने कार्यवाही करते हुए भाजपा सांसद केपी यादव व उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। केपी यादव पर बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने का आरोप लगा है। अगर इस मामले में केपी यादव दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह कार्रवाई एसडीएम द्वारा 2014 में बेटे सार्थक यादव को पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी आय क्रीमी लेयर 8 लाख से कम बताने पर की गई है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान यादव ने अपनी आय 39 लाख रुपए बताई थी। दोनों आय में अंतर होने पर मुंगावली से कांग्रेस विधायक बिजेंद्र सिंह यादव ने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी। जांच के बाद एसडीएम ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर इसका प्रतिवेदन एसडीएम को भेजा है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 466
दस्तावेज की कूट रचना एवं 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए अधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि का झूठा बयान तहत मामला दर्ज किया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सांसद ने जो आय प्रमाण पत्र बनाया था उसमें उन्होंने अपनी आय को जाति प्रमाण पत्र का फायदा उठाने के लिए क्रीमी लेयर के नीचे दर्शाया था। किसी गरीब का हक मारकर डॉक्टर यादव इसका फायदा अपने बच्चे को दिलवाना चाहते थे। यह नियम विरुद्ध है, उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बनवाया है, इसमें इन्होंने अपनी आय को, जबकि ये क्रीमी लेयर में ऐसा नियम है कि जो क्रीमी लेयर में के ऊपर आता है ना उसको ये फायदा नहीं मिलता आय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का। तो इन्होंने अपनी जाति प्रमाण पत्र का ये फायदा उठाया कि अपने क्रीमी लेयर के नीचे इन्होंने अपनी आय दर्शाई और उसका फायदा ये अपने बच्चे को दिलवाना चाहते हैं, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। इन्होंने जो अपनी आय है ना, जब फॉर्म डाला था तो तब इन्होंने अपनी आय अलग दर्शाई है और ज़्यादा दर्शाई है, और जो इन्होंने अपना आय प्रमाण पत्र बनवाया उन्होंने इसमें अपनी आय कम बताई है, जबकि ये क्रीमी लेयर की उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी आय तो ज़्यादा ही, अपना रिटर्न भरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल होना चाहिए और इनके ऊपर 420C का मुकदमा कायम होना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सांसद जी और उनके पिता ने जाति प्रमाण पत्र में आय कुछ और दिखाई और अपना जो उनको लाभ हुआ, जो रिटर्न भरा, वो अलग दिखाया? बिल्कुल अलग अलग है, दोनों आप मिलान करके देखें, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। तो आपका कहना है इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है, वो निरस्त होना चाहिए और इनके ऊपर 420C का मुकदमा कायम होना चाहिए। तो आपको ये करने में तकलीफें तो आई होंगी, ये इतना महत्वपूर्ण आपने ये जो काय की तकलीफ, कोई भी अगर गलत काम करता है तो गलत बात रखने में और उठाने में कौन सी तकलीफ है? ये तो बिल्कुल रखना चाहिए, कोई अगर गलत काम, ये कहीं ना कहीं किसी गरीब का हक मार रहा है ना, तो ये तो गलत है ना, जबकि जो किसी गरीब को जो हक मिलना चाहिए, तो आपने गरीब का हक तो मार दिया और आप तो उसमें कैटेगरी में आते ही नहीं है। छिंदवाड़ा में घने कोहरे की वजह से एक पिकअप वाहन और बस में टक्कर हो गई। इस जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 10 लोग जख्मी हो गए हैं। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवरों की गलती सामने आई है। मंगलवार सुबह घने कोहरे की वजह से बैतूल रोड पर एक पिकअप वाहन और बस टकरा गए। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। आज सुबह हुई इस घटना के बारे में वहां मौजूद लोगों का कहना था कि कोहरा बहुत अधिक था और दोनों ही वाहन बहुत रफ्तार में थे। जब ये आमने सामने आए तो ड्राइवर वाहनों को संभाल नहीं पाए और टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और बस में से घायलों को बाहर निकाला। लोगों ने इसके साथ ही पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर के साथ ही अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सम्मान में कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने दिवंगत नेताओं के निधन की विधिवत सूचना सदन में दी। प्रजापति ने गौर और जोशी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एस जयपाल रेड्डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और श्रीराम जेठमलानी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण नायक, मेहरबान सिंह रावत और राज बहादुर सिंह के निधन उल्लेख के साथ ही उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ, विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान का जिक्र किया। दिवंगतों की याद में सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद अध्यक्ष ने दिवंगतों के सम्मान में कार्यवाही स्थगित कर दी। गौरतलब है कि इस शीतकालीन सत्र में कमलनाथ सरकार द्वारा 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि यह अभी तक का सबसे बड़ा 23,000 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट होगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक,
झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोर्ट कचहरी थाना दरबार सबसे इतर आज भी गांव के मामले पंचायत में सुलझा लिए जाते हैं। गांव का मुखिया आज भी यही चाहता है कि समाज का मामला पंचायत में ही सुलझ जाए और पंचों की बात आज भी पूरा गांव एक आदेश पर मानता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें दो दोस्तों में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने ही थाने में एक दूसरे के खिलाफ FIR करवा दी, मगर पंचों ने थाने में पहुंचे इस विवाद को गांव की पंचायत में ही निपटा दिया और दोनों की एक बार फिर सुलह करवा दी। आपने कभी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पढ़ी या सुनी जरूर होगी, जिसमें दो दोस्तों की कहानी थी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। अब इनमें झगड़ा होता है तो कैसे पंच परमेश्वर ने इस विवाद को पंचों के साथ बैठकर सुलझाया। ठीक उसी कहानी को चरितार्थ करते हुए ग्राम पंचायत थामवरी की पंच परमेश्वर ने दो दोस्तों के बीच का मामला सुलझा कर उनके मतभेदों को दूर कर दिया। 15 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच युवकों के कारण विवाद हो गया था, जो बढ़कर थाने तक पहुंच गया और एक दूसरे के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी थी। मामला गांव में बढ़ता हुआ देख थावरी गांव के सरपंच और पंचों ने मिलकर पंचायत क्षेत्र के रानीहाई गांव के घर आंगन में बैठकर ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराया। आपसी विवाद हो गया था, कुछ मामले में बच्चों से लेकर विशेष हुआ, युवा पति के मामले हुआ और वो विवाद बढ़ते बढ़ते खेत तक पहुंच गया, पूरे परिवार में पहुंच गया, तो थाना तक मामला पहुंच गया। थाना में फिर जानकारी मेरे को मिली तो उनसे भी बात किया और इसके बाद दोनों पक्षों के हमने बिठाल कर गांव वाले के समक्ष चर्चा करके बिठाल कर और इनका सामंजस्य करा लिया गया। बालक लोगों के जुआ पत्ती के विवाद में हमारा तक विवाद हो गया रामकिशोर के साथ और उनके परिवार और मेरा परिवार के साथ ही विवाद हो गया। फिर गांव के सभी लोग जुटे और आजू बाजू गांव ग्राम के लोग भी आए, उन लोगों ने आपसी हमारा समझौता करवाया, हम दो ही पार्टी उसको लिए सहमत हैं। जनपद पंचायत सिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत थावरी के रानीहाई गांव में रामकिशोर पिता भैयालाल किरार और आधार सिंह धुर्वे के बीच जुआ खेलने की बात पर विवाद हो गया था। विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक का सिर फोड़ दिया था, जिसके बाद उनके माता पिता के बीच भी विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मामला कान्हीवाड़ा थाने पहुँच गया था। पुलिस ने समझाया भी था लेकिन दोनों पक्षों के लोग नहीं माने और FIR दर्ज करा दी थी। इसी दौरान लाला रजक जो जुआ खिलाने वाला था उसके खिलाफ भी थाने में FIR दर्ज करा दी गई। किरार समाज के पक्ष ने अपने खेत से जा रही राह में रोड़ा लगाते हुए आदिवासी वर्ग के पक्ष को अपने खेत से होकर जाने पर रोक लगा दी थी। फिर क्या था, एक पक्ष आदिवासी वर्ग और दूसरा ठाकुर वर्ग से होने के कारण दोनों समाज में तनातनी बढ़ने लगी और गांव में गुटबाजी के साथ माहौल खराब होने लगा था। ऐसे में 12 दिसंबर को थामरी गांव के सरपंच नरेंद्र सिंह आरोदिया ने गांव के पंचों के साथ साथ पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव के गणमान्य नागरिकों एवं जनपद सदस्य गया प्रसाद कुमरे की मौजूदगी में रानीहाई गांव के आंगन में बैठकर रखी पंचायत में विवाद करने वाले सभी पक्षों को बारी बारी से सुना और फिर दोनों पक्षों के लोगों को समझाया कि थाना और कोर्ट कचहरी से खाकी और काले कोट वालों का ही फायदा होगा और पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे। यह विवाद पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पंच परमेश्वर के सामने लिखित रूप से समझौता कर लिया। वहीं पंचों ने मौके पर ही RI और पटवारी को बुलाकर जमीन का सीमांकन कराकर रास्ते का मसला भी हल करवाकर दोनों पक्षों को गले मिलवाया। गांव में शराब और जुआ खोरी की वजह से गांव में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं एवं सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर बैठक के दौरान ग्रामीणों एवं पंचों ने सर्वसम्मति से जुआखोरी एवं शराब बिक्री पर 10,000 रुपए का जुर्माना करना प्रस्तावित किया। गांव के पंचों की इस पहल को लेकर सभी गांव के लोगों ने सराहना की, खुद विवाद करने वाले पक्ष भी समझौता कर बेहद खुश हैं। हमारे यहाँ बाहर के और गांव के सभी लोग बैठे ग्राम लड़ाई में सरपंच और सबके सामने हमारा समंजस हुआ सभी लाल धुर्वे के साथ, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है कि अच्छा हुआ। और गांव में जो भी मामला होते हैं हम लोग पहले से सुलझाते हुए आए हैं और आज भी सुलझाए हैं और मेरी यही अपेक्षा है आगे की कोई भी विवाद ना हो और बढ़िया हंस मिल कर गाँव वाले सब रहें।
सिंगरौली जिले में दो दिन की बारिश ने सहकारी समितियों की अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, जहां बारिश के बाद हजारों टन धान बारिश में भीग गया है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी है, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरासी बारिश में धान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है और यह सब हुआ है समितियों और खरीदी केंद्रों पर बारिश से बचाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण। इस घटना में सीधे तौर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल सिंगरौली जिले में 70 मैट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य में पिछले 10 दिन से करीब 28 खरीदी केंद्रों पर अब तक 4000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 5 समितियों के खाद्यान्न भीगने की घटना के बाद कलेक्टर KVS चौधरी ने खाद्य विभाग को सभी समितियों के मौके पर जाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। वह समितियों से खरीदी केंद्रों पर बारिश से भीगे धान के संबंध में जानकारी मांगी है। विभाग ने खरीदी करने वाली एजेंसियों को भी कहा कि वे धान का परिवहन समय सीमा में करें। खरीदी के बाद अगर धान की मात्रा में कमी, गड़बड़ी अथवा बारिश के चलते खराब होने की शिकायत मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी समितियों की होगी। जिले में 28 खरीदी केंद्र हैं, जिसमें करीब करीब मैंने अभी शुरुआत ही हुआ है, करीब 70,000 मेट्रिक टन धान खरीदने की मैंने टोटल संभावना है, जिसमें अभी तक 3,000 से 4,000 के बीच में 4,000 मेट्रिक टन के बीच में खरीदी हुई है। इसमें 5-6 केंद्रों में खबर आई कि मैंने सही से मान लीजिए अच्छा स्टोर ना कर पाने से मैंने भीग गया है, चितरंगी तरफ भी है और इधर वैडन के मान लो कुछ केंद्रों में भी है। जो खरीदी प्रभारी या समिति प्रबंधक मूलतः जिम्मेदार है कि मान लीजिए उसको अच्छा रूप से उसको मान लो खरीदना चाहिए और संभालना चाहिए। यदि मान लीजिए उसे मान लीजिए वो फाइनली परिवहन करने लायक नहीं होती है, यानी तो मान लीजिए उसको भंडारण करने लायक नहीं होती है, बिल्कुल उसके मतलब खिलाफ एक्शन तो माने समिति प्रबंधक या खरीदी प्रभारी जो है उनके खिलाफ ही होगा। तो हमने माने पूरा आंकलन करने के लिए अभी मैं खाद्य अधिकारी बता दिया हूँ कि टोटल एक बार घूम के भी देख ले कि कहाँ कहाँ पर कितना माने नुकसान हो, मतलब कि चांस है। जिम्मेदारी तो माने खरीदी प्रबंधक या समिति प्रबंधक की, खरीदी प्रभारी। ग्वालियर में शासकीय कृषि महाविद्यालय में साइंटिस्ट के पद पर पदस्थ एक वरिष्ठ महिला साइंटिस्ट को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर घर से उठवा लेने की धमकी दी। इस मामले की शिकायत महिला साइंटिस्ट ने पुलिस में की और धमकी भरे ऑडियो की सीडी पुलिस को सौंप दी। महिला साइंटिस्ट ने प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक और जहां माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, वहीं विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ एग्रीकल्चर कॉलेज की एक महिला साइंटिस्ट डॉक्टर शोभना गुप्ता को कुछ लोगों ने फोन पर धमकियां दी और घर से उठवाने तक की बात कही। इस मामले की शिकायत महिला साइंटिस्ट ने ग्वालियर पुलिस से की है, साथ ही धमकी भरे ऑडियो की सीडी भी पुलिस को सौंपी है। हेलो हेलो जी, हाँ सामना गुप्ता बात कर रहेंगे। हाँ बोल रही हूँ। विक्रम सिंह जावर को जानते हो आप? कौन है आप? विक्रम सिंह जावर सुनना मत दो। है जी विक्रम सिंह तंवर को जानते हो क्या? आप कौन है पहले तो ये बताइए ना, मैं किसको जानती हूँ किसको नहीं, वो कौन है आप पूछने वाले? मैं विक्रम ही बोल रहा हूँ। हाँ तो बताइए ना क्या काम है? ये पूछ रहा है सुरेश सिंह तंवर कौन है, क्यों क्या करना है? क्यों आप कौन है भाई, मेरे से इतनी जानकारी क्यों ले रहे, कौन है आप? मैं जानकारी इसलिए ले रहा हूँ कि आपसे सुरेश सिंह तंवर से आपका क्या संबंध है, क्या चल रहा है आपका, क्या है ये, कौन से नई कहानी, कौन है आप? नई कहानी नहीं है, आप किसी और को मत समझना, ये तिवारी नहीं है कि तिवारी को तो मैंने खबर लिख कर दिया था। कौन सा तिवारी? हाँ तिवारी, कॉलेज में तिवारी को दिखा था। मुझे तो नहीं पता कौन तिवारी कौन क्या कहानी, कौन है आप? हम कौन है तो है, लेकिन तुम कहाँ चाह रहे हो तुम ये बताओ ना फिर। ओ भैया हाँ, कहाँ का नंबर लगाया पहले तो ये बताओ जरा सा। हमने ये सोमना गुप्ता को लगाया है। हाँ तो ये नंबर मैं आपका पुलिस में देती हूँ, उल्टी सीधी बात कर रहे हो आप मेरे से। पुलिस में देती हो तो तुमको उठवाई तुम, ये मत समझो ना जी, तुम्हारा पुत्र रहता है दीनदयाल नगर में रहता है और तुम यहाँ पीछे आते हो ना, ये मैं समझ हम भी कॉलेज से बोल रहे हैं, फिर बाहर में अगर ज्यादा हाथ भरोगे ना तो कल कॉलेज भी जो पोल खोलेंगे। कौन जो रूल बोले जा रहे बैठे क्या, राजस्थान से आएंगे ना, राजस्थान ही पहुंचा देंगे हम वापस। महिला साइंटिस्ट ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग पुलिस से की है। डॉक्टर सोमना ने बताया कि शनिवार की शाम को उनके फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और तरह तरह से धमकियां
देने की कोशिश की। पति सहित उनको खुद को घर से उठाने तक की बात इन बदमाशों ने कही, जिसका महिला साइंटिस्ट ने फोन रिकॉर्ड कर एक शिकायती आवेदन थाना विश्वविद्यालय महिला थाना और वी केयर फॉर यू सेल तक को सौंप दिया है। 14 तारीख के आसपास शाम को 7 बजे मैं अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ था, मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास फोन पे कि साहब कुछ ऐसा अज्ञात लोगों का फोन आया है। तो मैंने कहा बड़ा अजीब कहानी है, तो मैंने पूछा पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि साहब आप शोभना गुप्ता बोल रही हैं, ये है। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। तो कि सर आप इन इन लोगों को जानते हो क्या, आपके क्या संबंध है, भाई आप लोग कौन हैं पहले ये अपनी आइडेंटिफिकेशन दें ताकि आपको बताया जाए कोई समस्या जो भी हो। तो फिर बोले कि जी आप को उन्होंने बोला कि थाने में नंबर दे देंगे आपका, आप कौन हम पहचान नहीं पा रहे हैं और आप ऐसे उजुल बातें कर रहे हैं। तो जब ये थाने वाली बात कही तो आप दे लो हम देख लेंगे आप लोगों को, उठा लेंगे आप लोगों को, और आपका दीनदयाल नगर में वो जाते हैं आपके डॉक्टर साहब तो उनको भी उठवा लेते हैं हम। तो इस चक्कर में बड़े घबराहट होने की वजह से फिर हमने ये FIR जब की है, महिला थाने में गए हैं, यूनिवर्सिटी थाने में गए हैं तो वहाँ FIR जब दर्ज करवाई है। सिक्योरिटी के लिए मांग की है कि सब कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, बच्चा कोचिंग पे जाता है, हम लोग जाते हैं, मैं रात को लेट आता हूँ क्लिनिक से, तो कुछ भी हो सकता है। अभी लोगों को आइडेंटिफिकेशन करें कि कौन हैं ये लोग और उसके बाद में इन पर कार्रवाई की जाएगी कौन है। ये राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर कॉलेज में वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में है, काम कर रही हैं वहाँ पर जी, वैज्ञानिक हैं वहाँ पर, सीनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पर हैं। सिगरौली में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और कई अपराधियों की धर पकड़ की है। इस दौरान एक बदमाश हथियार के साथ भी पकड़ा गया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मोरवा व बरगवा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी की, जिसमें मोरवा पुलिस ने धारदार हथियार के साथ एक बदमाश को पकड़ा। वहीं क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करते एक युवक पर भी कार्रवाई की। वहीं बरगवा पुलिस ने लूट मारपीट चोरी और राहजनी जैसे मामले में फरार आरोपी राम मिलन को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। टीकमगढ़ में विजय दिवस उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के पूर्व सेना नायकों का सम्मान किया गया और भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। टीकमगढ़ में विजय दिवस के अवसर पर भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया। जिले के कलेक्टर मोहित सिंह ने पूर्व सेना नायकों का सम्मान किया। इस दौरान SP अनुज सजानिया समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 16 दिसंबर के ही दिन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को युद्ध में बंदी बनाया था, जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस युद्ध में भारत के लगभग 3,500 अपने वीर सैनिकों को खोया था, जिसकी याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।